बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 4 इन विच वी विल डू एक्सरसाइज 4.5। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, रिमाइंडर हमारे पास 1 दिया हुआ है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ से x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 रख लेंगे और x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2 वैल्यू हम इन द प्लेस ऑफ x पुट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस, और हमारे पास रिमाइंडर 1 है, तो यहाँ पर इक्वल के इस साइड पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 की पावर 3 प्लस के की पावर 2 प्लस 3, आप इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 होता है 16 प्लस 2 इधर आ जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस के 2 की पावर 2 होता है 4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 1। अब इन इसे इसे और इसे सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास आ रहा है 4k प्लस 35 इज इक्वल टू 1। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो 1 माइनस 35 हो जाएगा, होता है माइनस 34। सो 4k इज इक्वल टू माइनस 34। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2 इज़ द आंसर। सो ये बहुत सिंपल सा था, मगर ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 2x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस 27x माइनस 18। हमें दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, x इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 3। सो इसे हमने सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है उसका कोफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 7 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 और यहाँ पर माइनस 27 और यहाँ पर माइनस 18। सबसे पहले हम 2 से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा और सबसे पहला वाला नंबर ऐसे नीचे आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आता है। अब 7 प्लस 4 11 होता है, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22 हो जाएगा। माइनस 4 प्लस 22 होता है 18। अब 18 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 36। माइनस 27 प्लस 36 तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई, सो प्लस माइनस 18 आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर 0 बचेगा। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर है माइनस 3। सो इसे हम माइनस 3 से सॉल्व करेंगे मज़ीद। सो यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 इज़ 6 और यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा। 11 माइनस 6 5 हो जाएगा। 5 3 इज़ 15 और माइनस 15 यहाँ पर आ जाएगा। 18 माइनस 15 हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 9 आ जाएगा और यहाँ पर 0। सो अब हमेशा यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 वाली टर्म होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर x वाली टर्म होती है और ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 होता है हमारे पास 6। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम 2x स्क्वायर प्लस मिड टर्म ब्रेकिंग या फैक्टराइजेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पर, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसे ब्रेक करना है कि हमारे पास हम ऐड करें तो हमारे पास 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। सो 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पर 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं।
या 3+2 लिख दें या 2+3, एक ही बात है। तो यहाँ पर 2x² + 2x, यहाँ पर मैंने 2 इसलिए लिखा ताकि 2 भी कॉमन आ जाए, +3x + 3 = 0। देन हमारे पास यहाँ पर 2x कॉमन आ जाएगा और x+1, और यहाँ पर +3 कॉमन आ जाएगा, x+1 = 0, x+1 = 0, x+1 एक फैक्टर आ गया और 2x+3 एक फैक्टर आ गया, = 0। और फिर हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, x+1 = 0, x = -1। फिर दूसरा 2x+3 = 0, 2x = यहाँ पर ये प्लस का होता जाके नेगेटिव हो जाएगा, 3x - 3, फिर x = -3/2। सो ये हमारे पास दो आंसर आ गए x के। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, x³ + bx² + qx + 6। इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स दिए हुए हैं और हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 14 को सॉल्व किया है। यहाँ पर हम सिंटैक्टिक डिवीजन यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर होती है उसका हम कोफिशिएंट लेते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, और यहाँ पर कोफिशिएंट इसके साथ p है, तो यहाँ पर p आ जाएगा, और यहाँ पर q, और यहाँ पर 6। सो सबसे पहले तो x+1 = 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। पहली x की वैल्यू ये पुट करेंगे और दूसरी x-2 = 0, x = -, तो जाके पॉजिटिव +1। सो ये दो वैल्यूज हम पुट करेंगे। यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं, पहले -1, 1 तो नीचे आ जाएगा ऐसे ही, 1 × -1, यहाँ पर -1 हो जाएगा, p-1 यहाँ पर आ जाएगा। अब -1 p-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 - p + 1 हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास q p - p + 1। अब इधर इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -q + p - 1। 6 - 1 = 5 होता है, तो -p - q + p + 5। सही है, इसे यहाँ पर अभी ऐसे ही छोड़ दें। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर है 2, तो यहाँ पर नीचे 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 × 2 × 1 = 2 आ जाएगा। सो p = -1 बन रहा है। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2p + 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा q, तो सेम ही आ जाएगा, p + 2p हमारे पास +p होगा, जब ही तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, +p + 5 = 0। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन है q + p + 3 = 0। अब इन्हें ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ये -q और +q कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पर आएगा +8 = 0। अब ये हमारे पास यहाँ पर से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2p = -8, p = -8/2, और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। p की वैल्यू आ गई। अब हम इजीली p की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट इन 1 कर लेती हूँ मैं, ये 1 थी और ये हमारे पास 2 था। सो यहाँ पर -q + -4 + 5 = 0। सो -q + -4 + 5 = 0, -q -4 + 5 होता है
प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अब ये प्लस का है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस क्यू इज़ इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास क्यू की वैल्यू वन आ जाएगी, जो कि हमने फाइंड करनी थी क्यू और पी की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें हमें माइनस टू और प्लस टू रूट्स दिए हुए हैं और ए बी हमें फाइंड करना। सो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले भी तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2017 लोकल एग्जामिनेशन पे आया था फेडरल बोर्ड के। सो यहाँ पर इसे सॉल्व सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पावर थ्री का कोफिशेंट लिखेंगे वन, फिर माइनस फोर, फिर ए और फिर बी। तो सबसे पहले माइनस टू को कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा वन, वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू होता है माइनस फोर, माइनस टू होता है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस टू ट्वेल्व, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ट्वेल्व। अब यहाँ पर माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू, माइनस टू ए माइनस ट्वेल्व, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस टू ए प्लस बी माइनस ट्वेल्व। ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय माइनस टू हमारे पास 24 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 24, यहाँ पर भी माइनस 24। इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम प्लस टू को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा वन आ जाएगा, टू वन जर टू, यहाँ पर टू आ जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, फिर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा माइनस एट, फिर ए ट्वेल्व माइनस एट होता है प्लस फोर, सो यहाँ पर हमारे पास फोर आ जाएगा। सो ये हमारे पास दो बन गए। अब हमने एक तो इक्वेशन आई है माइनस टू ए प्लस बी माइनस 24 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी आई है ए प्लस फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो ए इज़ इक्वल टू माइनस फोर। ए की वैल्यू आ गई, अब इसे इधर पुट करेंगे, माइनस टू माइनस फोर प्लस बी माइनस 24 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर आ जाएगा एट प्लस बी माइनस 24 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एट माइनस 24, सो हमारे पास बी माइनस 16 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, बी की वैल्यू हमारे पास 16 प्लस 16 आ गई। सो दिस इज़ द आंसर। सो दिस वॉज़ द एक्सरसाइज 4.5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।